तो ये है लौकी और ये है तरोई, मैंने इसे रख लिया है। ये मेरे पास ये है टमाटर, दो टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, और ये मेरे पास दो प्याज हैं मैंने ये ले लिया है, और ये है लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तो अभी शुरू करते हैं, मतलब आगे की तैयारी कर लेते हैं तड़के की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। कैसे हो आप सब? और आज का जो डिनर है ना हमारा, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रवा डोसा, तो जो साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस डिश होती है। और आज का जो हमारा डिनर है वो ना बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में होने वाला है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रवा लिया था, रवा को मैंने एक बार मिक्सी में डाल के काफ़ी फाइन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 2.5 कटोरी रवा लिया था, आधा कटोरी मैंने इसमें चावल का आटा मिक्स किया है, और इनो ऐड किया है, एक सैसे मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है इनो का, चीनी डाला है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने एक बैटर बना लिया है, अभी बैटर गाढ़ा है पर मैंने इसे ढक दिया है। तब तक मैं ना सांभर की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब अपना सांभर बना लेती हूँ। और ये दही था जो कि मैं अभी मिक्स करना भूल ही जाती, तो बस फटाफट मैं इसे भी मिक्स कर लेती हूँ लगे हाथ। और दही मैंने ना 2 चम्मच के करीब ले लिया है, और आप देख रहे हो ना बैटर भी काफ़ी गाढ़ा है, तो अभी मैं यहाँ पे पतला नहीं करूँगी, बस इसे ऐसे ही ढक देने वाली हूँ। जब ये काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा ना, तो हमें थोड़ा सा ना समझ में आ जाएगा कि कितना अभी हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत है। तो इधर मैंने ना कढ़ाई रख दिया है, और मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, और सांभर बनाने के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। आप दूसरा भी कोई ऑयल ले सकते हो, लेकिन सरसों का जो तेल होता है ना, वो जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं ना उसके लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च और लहसुन कटे हुए, और उसके बाद ये देखो आप पक गया है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ जो मेरे पास टमाटर था ना तड़के के लिए, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सारी चीज़ों को ना अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी ये जो टमाटर है ना, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो उससे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये सांभर मसाला। तो सांभर का ये ना मेन इंग्रेडिएंट है सांभर मसाला, इसके बिना सांभर ना बहुत अधूरा सा लगता है, और इतना ज़्यादा इसमें फ्लेवर होते हैं ना कि सांभर का टेस्ट ना दोगुना कर देता है। और अगर आप चाहो ना तो इसके बाद आप कोई मसाला ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, हल्के फुल्के मसाले आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी जो हल्दी पाउडर है ना, वो मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर मैं सांभर में कभी नहीं ऐड करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ये अपने कटे हुए टमाटर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो आप देख रहे हो कि जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और उसके बाद थोड़ा सा कलर और अच्छा लाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये ना बहुत तीखा जो होता है ना लाल मिर्च, वो नहीं है, और बस सिर्फ ये एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो मैंने पहली बार ऐड किया है। मैं कभी भी कलर यूज नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा मेरी किसी भी रेसिपी में। तो अभी मैंने यहाँ पे ना सारी सब्जी ऐड कर दी है, लौकी और तरोई को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा नींबू। तो अगर नींबू आप चाहो तो नींबू डाल सकते हो, या फिर आप इमली का पल्प डाल सकते हो। वैसे सांभर में ना इमली का पल्प डालना ही थोड़ा सा अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा आता है। आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा होगा मैंने यहाँ पे इमली का पल्प ही यूज किया था, पर इस बार मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू का रस, और उसके बाद मैं यहाँ पर पानी डाल के छोड़ दूँगी इसे पकने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो कोकोनट चटनी के साथ हम रेस्टोरेंट में अक्सर वो रेड वाली चटनी खाते हैं ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो वही मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ साथ में डोसे के साथ में। तो आप देख रहे हो मैंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं, और इधर मैं स्टफिंग में डालने के लिए यहाँ पर 2 प्याज और 2 टमाटर काट ले रही हूँ, और उसके साथ में यहाँ पर जाएगी 2 हरी मिर्च, तो वो भी मैं काट के इन सारी चीज़ों को रख ले रही हूँ। उधर हमारा जो सांभर है वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके, और चटनी भी तैयार हो गई है, तो मैं यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद हम बनाएंगे स्टफिंग। तो जो स्टफिंग है ना वो मैं पनीर की बना रही हूँ, और आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इतना सारा पनीर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब पनीर और मटर ही डालूंगी स्टफिंग में, मैं आलू नहीं भरूंगी।
और ये मेरे पास ना जो अरहर की दाल थी ना, मैंने पहले से थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपका सांभर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है, परफेक्ट है, आपको जितना सांभर खाना पतला या थिक पसंद है आप उसी अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे ना स्टफिंग के लिए मैंने, आपने देखा, अगेन लिया है सरसों का तेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा डाला था मैंने, राई डाला है, और करी पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया था। और जब ये अच्छे से हो गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दी थी हरी मिर्च, और अभी मैं इसे ना अदरक को घिस के डाल रही हूँ। तो आपने देखा, और ये ना इंस्टेंट रवा डोसा है, अगर आपका कभी भी खाने का मन करे ना तो आप अपने घर पे ना इजली आप बना सकते हो। इसकी स्टफिंग भी बनाना बहुत ईजी है, आप कम चीज़ों के यूज़ करो जितना आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही आप बनाओ घर पे, तभी वो एक परफेक्ट माना जाता है। मेन चीज़ ये होती है ना कि आपका खाने का टेस्ट जो है ना आप बनाते हो वो अच्छा आना चाहिए, भले ही आप थोड़े से इंग्रेडिएंट कम डालो लेकिन टेस्ट अच्छा हो तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और प्याज पक गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर, और उसके बाद आपने देखा मैंने यहाँ पे ये डाली है थोड़ी सी हरी मटर, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम पका रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में हमें क्या डालना है, पनीर को। तो जो साउथ इंडियन लोग होते हैं ना वो इन सारी चीज़ों में ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब डोसा, मेंदू वड़ा और इडली वगैरह में। तो जो साउथ इंडियन होते हैं ना वो इन सारी जो फूड होते हैं ना, डिशेस होती हैं, वो उनमें एक्सपर्ट होते हैं, पर जो नॉर्थ इंडियन होते हैं वो अपने खाने में परफेक्ट होते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया है, सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो स्टफिंग है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाए, मतलब ड्राई हो जाए, और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पे मैं बैटर बना रही हूँ, मतलब बैटर को अपने स्टेज पे ला रही हूँ जैसे हमें चाहिए पे, थोड़ा सा गीला, तो मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद अपने तवे को तैयार कर ले रही हूँ। वैसे ये नॉन स्टिक तवा है, फिर भी मैं इसमें ना ये मेरे पास जो बटर है ना मैंने इसे पिघला लिया था और उसे मैंने यहाँ पे तवे पे लगा दिया है, और आप देख रहे हो ये जो बैटर है ना इसे चमचे से मैंने फैला लिया है। तो मैं क्या बोल रही थी कि ना मैं प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ ये है कि हल्का फुल्का मैं बना लेती हूँ, मतलब अपने काम भर का तो मैं कर लेती हूँ। जब भी मेरा मन करता है घर पे खाने का, ये डोसा वगैरह, तो मैं बस बना लेती हूँ। लेकिन हमारी जो डिशेज़ होती ना जो हम डेली यूज़ में बनाते हैं, अक्सर हम उसी में परफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई हर चीज़ में, बस मैं बना लेती हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने बैटर को फैला लिया है, और नीचे से हमें क्रंची रखना होता है बैटर को, और ऊपर से हमें सॉफ्ट रखना होता है, ऐसा नहीं कि आपको दोनों साइड से पकाना होता है, हमेशा डोसा ना नीचे से ही पकाना होता है। और अभी मैंने यहाँ बटर था ना मेरा, वो भी मैंने लगा लिया है, और नीचे से ये ना पकने का भी डर नहीं रहता कि जल जाएगा, क्या हो जाएगी, ये जितना ही ज़्यादा कुरकुरा बनेगा ना उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो नीचे से पकने का या जलने का कोई डर नहीं रहता है, आपको जो डोसा होता है ना वो हाई फ्लेम पे ही पकाना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था केचप, और ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, जैसे मुझे खाना पसंद है आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा आपको पसंद है। तो यहाँ पे जो केचप लगाया था ना मैंने, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगा दी है अपनी स्टफिंग, फिल कर दी है, और डोसा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही करके मैं अपने सारे डोसे बनाने वाली हूँ। आप देख रहे हो अगेन मैंने जो बटर था वो मैंने लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे बैटर को फैला ले रही हूँ इसी चमचे से, और उसके बाद इसे ना वेट करेंगे पकने तक। नीचे आप कैसे पक गया है वो पता करना है ना अगर आपको, तो आप देखोगे जो आपका साइड साइड से बैटर है ना वो तवे से ना छूटने लगेगा, मतलब वो तवे को छोड़ देगा अपने आप, तभी आप समझ जाना। और इस स्टेज तक ना आपको वेट करना ही है, और इससे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हो तो आपको ये भी ना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है आपका जो ये पक जाएगा। तो जो डोसा था ना वो बहुत मेरा कुरकुरा बना था क्योंकि रवा था उसमें,
और मैंने उसमें ऐड किया था चावल का आटा। तो ऐसे करके मेरे सारे जो डोसा थे ना वो बन गए। और आप देख रहे हो सांभर को मैंने निकाल लिया है, स्टफिंग भी मेरी आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने ना वो चटनी भी तैयार कर ली है, आपने देखा। और चटनी में ना फाइनली तड़के की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर लिया है ये बटर लिया था मैंने, और उसमें डाला है मैंने राई, करी पत्ता और हरी मिर्च। तो आप देख रहे हो मेरा ये जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का आज ये डिनर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है, और बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे वीडियो को। थैंक यू।